तो चलिए आज हम जानेंगे कि सब्जियों में पोषक तत्व की कमी और उसके निदान के बारे में। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। किसी भी फसल को स्वस्थ रहने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर पौधे अपना जीवन स्वस्थ तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। सब्जियों में भी पोषक तत्वों की कमी से पौधे की वृद्धि पर असर पड़ता है। जानकार कहते हैं कि नाइट्रोजन सब्जी फसल की अत्यधिक पैदावार एवं गुणवत्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका समुचित प्रयोग मृदा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। किसान भाई, आप लोग जो खेती करते हैं उस दौरान बहुत सारे हमारे कमी दिखता है, पौधे में बहुत सारे कमी दिखता है, और कमी का जो पहचान है वो पत्ते में, फूलों में, फल में, उससे पता चलता है। और ये जो कमी है, इस कमी से ये पता चलता है कि हमारा पौधे नहीं मरता है, लेकिन पत्ते उसमें इफ़ेक्ट होते हैं। कोई भी अगर पत्ता अगर बात करते हैं तो पत्ता उसमें पीला हो जाएगा या कहीं उसमें जलने जैसा दिखेगा। तो हर हमारा जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व तो हमें सभी में अलग अलग कमी दिखता है। अगर हम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन में ये हमारा जितना सब्जी है जो भी खेती करते हैं उसका जो नीचे वाला पत्ता है वो पीला होता है, और धीरे धीरे पूरे पत्ता जो पीला हो जाता है। और किसान भाई, आपके जानकारी के लिए ये बता दूँ, जो हमारा कोई भी पत्ता हम लेते हैं, पत्ता पौधे का किचन हाउस होता है। अगर किचन हाउस अगर हमारा बिगड़ जाता है या कुछ भी नहीं हो पाता है तो खाना उसमें नहीं बन पाता है। खाना नहीं बनने से पौधे को जो बढ़वार है वो नहीं हो पाता है, और उसमें जो यील्ड आएगा, जो भी हमारा जो फसल जो होना चाहिए उतना पैदावार नहीं होता है। फास्फोरस की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और हरी व बैंगनी रंग की हो जाती हैं। वहीं पोटाश की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। टमाटर तथा फ्रेंच बीन में इसकी कमी के कारण पत्तियां किनारे की तरफ से झुलसने लगती हैं। तो अगर पीला होता है तो हमें उसमें छिड़काव करना होगा। यूरिया 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या हमारे जो घुलनशील खाद है NPK जो बाज़ार में मिलता है 19-19-19, वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं, उसके साथ अगर शैम्पू मिलाते हैं, चिपक मिला के स्प्रे करते हैं, तो इससे नाइट्रोजन से निदान मिलता है। उसी हिसाब से अगर फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस का कमी, किसान भाइयों, आप लोग ये सब्जी फसल में, इसमें भी नीचे वाला जो पत्ता होता है वो हमारा गुलाबी रंग हो जाता है। गुलाबी रंग होने से ही हमारा क्या होता है कि जो भी पौधे में खाना, वही जैसे मैं बता रहा था, खाना नहीं बन पाएगा और पौधे में बढ़वार भी नहीं हो पाता है। तो पहले इसको निदान के लिए हमें जो घुलनशील खाद है हमारे पास NPK, वो 19-19-19 या 20-20-20, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। उसी हिसाब से पोटाश की कमी, जैसे पोटाश की कमी में भी क्या होगा किसान भाइयों, इसमें जो नीचे वाला पत्ता है वो किनारे से, पत्ता जो किनारा होता है वो जलने जैसा हो जाता है, और एक बार जैसे जलने जैसा हो जाए, धीरे धीरे क्या होगा ना, पत्ता पूरा जलने जैसा दिखता है। पहले किनारे से होगा, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ आता है, पूरा पौधा जो जल जाता है। तो इसके लिए जो हमें जो खाद चाहिए, इसमें भी जो घुलनशील खाद है 19-19-19, वो आपको डालना होगा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और शैम्पू हर में आपको शैम्पू मिला के डालना होगा, तब जाके इससे हमें निदान मिलेगा।